प्रथम तहलका न्यूज और जीन से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, जीन से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल जीन में सांड का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। आपको बता दें कि पुरानी अनाज मंडी में फिल्मी स्टाइल से एक सांड का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। आपको बता दें कि 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांड का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और तीसरी मंजिल पर चढ़े हुए सांड को जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर सही सलामत नीचे उतारा गया। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें जो जीन से आ रही है, जहां एक सांड का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। आपको बता दें कि पुरानी अनाज मंडी में फिल्मी स्टाइल से लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक सांड का रेस्क्यू ऑपरेशन कर उसे तीसरी मंजिल से नीचे उतारा गया है। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड, नगर परिषद, क्रेन और जिला अधिकारियों ने सांड को बचाया है। बता दें कि गलती से घर की छत पर तीसरी मंजिल पर चढ़ गया था सांड। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो जीन से आ रही है। आपको बता दें कि सांड के रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए यहां लोगों का हुजूम उमड़ गया और लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड, नगर परिषद और क्रेन के साथ साथ जिला अधिकारियों ने सांड का रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें जो जीन से आ रही है। पुरानी अनाज मंडी जींद में चढ़ा हुआ था जी, हमारे पास तो फोन गया था, अभी टेलीफोन किसी ने किया था, पब्लिक मैन ने। हम अपने वैक्सीनेशन अभियान में लगे हुए थे तो उन्होंने बताया कि तीसरी मंजिल पे कोई खागड़ चढ़ा हुआ है, तो फिर हम अचानक वो काम अपना छोड़ के बीच में आए और आने के बाद इसको जैलेजीन वगैरह दिया, हमने सेडेशन किया, सेडेशन करके और फिर इसको इंतज़ार किया। उसके बाद इसको नशा हुआ, नशा होने के बाद जैसे बैठा, तब फिर अपने फायर ब्रिगेड की हेल्प से, डिपार्टमेंट के हेल्प से, और इसको पेटी लगा के क्रेन से नीचे उतरवाया। सभी लोगों का, पब्लिक का सहयोग से सुरक्षित नीचे उतार लिया। यहाँ से नवीन है, ये अपनी दुकान है जो उन्होंने कॉल की 12:40 पर हमारे पास में, भाई हमारे यहाँ सांड चढ़ा हुआ है छत पर। तो उसके बाद में हमने आगे ने यहाँ डॉक्टर साहब से कॉल करवाई, डॉक्टर साहब आए हैं, उनको बेहोश किया गया है। बेहोश करने के बाद में फिर क्रेन की सहायता से इसको यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। रिस्क काफ़ी था, मतलब लग रहा था भी करीब करीब ये 30 फुट के आसपास ऊंचाई से इसको रेस्क्यू किया गया है। कार्य बहुत संतोषजनक रहा है, ठीक निपट गया डॉक्टर साहब की सहायता से। ये ऐसा है जी, सुबह बरसात शुरू हुई तो बरसात में अक्सर बैठ जाते हैं यहाँ जो भी आवारा पशु होते हैं, जैसे गांव होती है, खागड़ होते हैं, जो भी होते हैं। लेकिन हमने सोचा कि वैसे बैठने के लिए बैठ के होंगे, लेकिन कुछ देर के बाद पता लगा कि ये थर्ड फ्लोर पर चढ़ गया है ये। तो हमने अपने MC साहब जो बबली MC, उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि भैया आप फायर ब्रिगेड को फ़ोन करो 101 नंबर पे। तो हमने 101 नंबर पे फ़ोन किया तो फायर ब्रिगेड वाले भाई साहब अपनी सेवा दल के साथ आ गए। तो फिर हमने गौ सेवा दल के पास फ़ोन किया जी, तो गौ सेवा दल वाले भी उसी टाइम तुरंत 15 मिनट के अंदर पहुँच गए यहाँ पे। फिर हमने डॉक्टर साहब संपर्क किया, डॉक्टर साहब संपर्क करने के बाद इन्होंने बेहोशी इंजेक्शन दिया और फिर क्रेन की मदद से उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से उतरवाया है।